हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपका साथ यहाँ पे रेडमी कंपनी है, जिसका मॉडल नंबर है रेडमी 8A। और दोस्तों, यहाँ पे आपको फोन में लगे FRP लॉक, तो कैसे इसका FRP कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो सिंपली दोस्तों, इसका सेटअप आपको यहाँ पे चेक करा देते हैं करके, और यहाँ पे हमारे फोन में FRP लॉक लगे कि नहीं आपको पता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रॉब्लम जो है FRP की आपको यहीं से पता जाएगी कि यहाँ पे आपको लॉक का निशान दिखाई देगा, यानी कि आपके फोन में FRP लॉक लगा हुआ है। फिर भी आपको मैं एक बार यहाँ कन्फर्म करा दूं और कैसे इसका FRP करना जल्द से जल्द मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, इसको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने का दोस्तों, यहाँ पे सिम वाला ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। स्किप करने का दोस्तों, इसको करना है नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपके सामने स्किप ऑप्शन आएगा, आप स्किप करेंगे दोस्तों स्किप नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन में। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे फोन में वाईफाई कनेक्ट हो गया है। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे स्किप ऑप्शन जो हमारा जो हट गया है, इसको हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे इस तरह से इसको करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आएगा चेकिंग फॉर अपडेट्स, यहाँ पे कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए, डोंट कॉपी, इस पर करना है टच। फिर यहाँ पे आएगा जस्ट अ सेकंड, तो कुछ सेकंड के लिए आपको यहाँ पे फिर और वेट कर लेना होगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आएगा चेकिंग फॉर, अगर आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन का पासवर्ड पता है तो आप इसको डालकर इसको FRP प्रेस कर सकते हैं इजिली। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मिलेगा यूज माई गूगल अकाउंट, तो इस पर करना है टच। फिर यहाँ पे आएगा वेरीफाई योर अकाउंट, अगर आपको अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड पता था उसको भी डालकर यहाँ पे इसका FRP कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई स्किप का ऑप्शन नहीं आता, किसका FRP करना है ये जान लेते हैं। इसको करना है बैक, पूरी तरह से बैक करने का दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे आपने वाईफाई कनेक्ट किया था उसी पेज पे आपको आ जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं, इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा एड नेटवर्क, इस पे करना है टच। यहाँ पे आपको देखिए सर्च बार मिलेगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से एड नेटवर्क वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है www.youtube.com। फिर आपको दोस्तों इस पे इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखना है, फिर आपको इसको इस तरह से छोड़ना है। फिर आपके सामने यहाँ मिलेगा सर्च बार के बगल में असिस्ट वाला ऑप्शन, इस पे करना है आपको टच, और आपके फोन में यहाँ पे YouTube ओपन हो जाएगा। YouTube ओपन होने का दोस्तों के बाय डिफॉल्ट क्रोम ओपन होगा, तो आपको इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना, और यहाँ पे करना है इसको नो थैंक्स। फिर आपके सामने यहाँ पे YouTube का पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे ये वन नंबर जो दिख रहा है आपको, इसको आपको यहाँ पे टच करना है, और यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे करके एक पेज आपको ओपन और कर लेना है। फिर आपको सर्च बार में टाइप करना है VNROM बाईपास, तो VNROM बाईपास पे टच करने का, आपके सामने स्त्री इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको करना है टच। फिर आपके सामने स्त्री इंटरफेस शो होगा, तो यहाँ पे आपको सामने मिल जाएगी सेटिंग वाला ऑप्शन, तो आपको इस पे करना है टच। इस तरीके से आपके फोन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऊपर की तरफ, यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पे करना है टच। फिर आपके सामने स्क्रीन लॉक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको करना है टच। और यहाँ पे दोस्तों हम जो कर दो वहाँ पे हम पिन लॉक मांग रहा था, तो हम यहाँ पे पैटर्न लॉक एक बार लगाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसको करना है गोट इट। फिर यहाँ पे हम अपने नया पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आपको दोबारा से यहाँ पे सेट करना है, इसको करना है कन्फर्म। कन्फर्म करने का देखिए यहाँ पे हमारा स्क्रीन लॉक जो लग गया ये ऑन हो गया, इसको करते हैं बैक। बैक करने का पूरी तरह से बैक आ जाएंगे। फिर यहाँ पे दोबारा से इसका सेटअप एक बार करके देखते हैं, हमारा जो लास्ट में पासवर्ड मांग रहा था पिन नंबर, वो अब क्या, अगर वो पिन नंबर द्वारा तो नहीं मांग रहा है, तो इस तरह से हम देखते हैं इसको चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो चेकिंग फॉर अपडेट्स आ गया है। फिर यहाँ पे डोंट कॉपी करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे पिन नंबर मांग रहा था, अब यहाँ पे हमारा पैटर्न लॉक मांग रहा था, यहाँ पे पैटर्न लॉक ड्रॉ करते जहाँ पे हमने सेट किया था। सेट करने का दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया है, तो आपको स्किप वाले ऑप्शन पे करना है टच, और इसको करना है स्किप। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे गूगल सर्विस का ऑप्शन है, इसको करना है एक्सेप्ट। फिर इसको ओके कर देना है। एडिंग द फिनिशिंग टचेस आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ सेकंड आपको वेट करना पड़ सकता है, तो प्लीज वेट कर लीजिएगा। फिर आपको दोस्तों यहाँ सबसे लास्ट में आना, और यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन जो है नेक्स्ट वाला, इस पे करना है टच, और इसको करना है एग्री। फिर आपको यहाँ पे क्लासिक पे करके आपको इसके तरीके से कर देना है नेक्स्ट, और यहाँ सेटअप कंप्लीट पे करना है टच। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा डिवाइस पूरी तरह से ऑन हो गया है, और यहाँ सारे एप्स हमारे शो हो गए हैं। तो इस तरह दोस्तों हमारे फोन का यहाँ पे FRP पास हो चुका है, और आपको यहाँ पे एक बार इसका सेटिंग दिखाया था। सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद अबाउट में आएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स इसका मॉडल नंबर आपको देखने मिल जाएगा रेडमी 8A। तो अब यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, हमारे फोन के स्क्रीन का लॉक भी हट गया है, और यहाँ पे दोस्तों हमारे फोन में जो FRP वापस करना था हमारा FRP वापस भी हो गया। तो देखिए पैटर्न लॉक हमने लगा दिया था, पिन नंबर हमारा हट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसी तरीके से अपने रेडमी 8A का FRP वापस कर लिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज को लाइक करें, एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।